आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया के अग्रणी पाम ऑयल उत्पादक देश इंडोनेशिया के खाद्य तेल निर्यात पर पाबंदी लगाने की घोषणा से दिल्ली बाजार में सरसों तेल, तिलहन एवं मूंगफली दाने में तेजी देखी गई है। इसके अलावा सोयाबीन तेल एवं पामोलियन के भाव में भी उछाल देखा गया है। तेल तिलहन कारोबार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इंडोनेशिया की घोषणा से घरेलू स्तर पर प्रमुख खाद्य तेल एवं तिलहन में मजबूती का रुख देखा जा रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि घरेलू कमी को पूरा करने और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य तेल और उसके कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये पाबंदी अगले हफ्ते बृहस्पतिवार से प्रभावी होगी और अनिश्चित काल तक लागू रहेगी। हालांकि विदेशी बाजारों में खाद्य तेल का कारोबार बंद रहा, लेकिन इस पाबंदी की चर्चा के जोर पकड़ने से शुक्रवार को विदेशी एक्सचेंज में 3.5% तक की तेजी दर्ज की गई थी। इसकी वजह से घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों में मजबूती रही। वहीं सरसों तिलहन में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। मूंगफली तेल मील डिलीवरी 50 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली सॉल्वेंट रिफाइंड तेल 15 रुपए प्रति टीन बढ़ गया। सोयाबीन तेल मील डिलीवरी 150 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन मील डिलीवरी 200 रुपए और सोयाबीन तेल डिगम 150 रुपए प्रति क्विंटल तेज हो गया है। वहीं पामोलियन RBD 300 रुपये प्रति क्विंटल और पामोलियन एक्स कांडला 400 रुपये प्रति क्विंटल तक चढ़ गया है। बाकी सभी तेल तिलहन पुराने भाव पर ही बने हुए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक सोयाबीन डिगम कांडला का भाव 1985 से $1990 हो गया है, जिससे इसका आयात महंगा पड़ रहा है। ये सोयाबीन डिगम का अब तक का एक रिकॉर्ड स्तर है। वहीं घरेलू मंडियों में सरसों की आवक घटकर 5 लाख बोरी रह गई है। तिलहन कारोबारियों के पास सरसों का पहले से स्टॉक नहीं है। रिफाइंड तेल बनाने के लिए मिलों की तरफ से सरसों की मांग तेज बनी हुई है, क्योंकि ये सस्ता होने के साथ गुणवत्ता में भी अच्छा माना जाता है। सूत्रों का कहना है कि घरेलू स्तर पर तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर ही विदेशी बाजारों के असर को कम किया जा सकता है। अगर इस दिशा में सरकार ने समुचित पहल की तो 1.5 लाख करोड़ टन विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।